नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। आप सभी लोग इसी कंपनी को तो जरूर जानते होंगे, ऑयल सेक्टर का एक कंपनी है और आप लोग अगर इस कंपनी में एक भी शेयर होल्ड करते हैं तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपनी के नेक्स्ट टारगेटेड के बारे में, कंपनी का फ्यूचर स्कोप क्या रहने वाला है, कंपनी में जो न्यूज निकल के आ रही है वो क्या बोलती है, और कंपनी का आगे जो फंडामेंटल प्राइस रहने वाला है, कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपने अगर तो वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई वीडियो को लाइक करता है और चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। अभी शेयर का जो करंट प्राइस है 11.80 रुपए पर यह शेयर आज के दिन ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के दिन भी हम लोग को इसी प्राइस पर यह शेयर क्लोज मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। आज मार्केट में देखा जाए तो इस शेयर में काफी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है और जो हमारा हमने सपोर्ट के बारे में बात करी थी अपने पिछले वीडियो में 111 के प्राइस तक, वहां पर जाकर आज इस शेयर ने बाउंस बैक आप लोग को देखने के लिए मिला है। आज के दिन पूरे दिन हम लोग को इस शेयर ने 111 तक का मिनिमम लो देखने के लिए मिला है। सीधा चलते ग्राफ के ऊपर, तो जो हमारा टारगेट था जहां पे 111 के, उसको इसने पहले भी एज अ सपोर्ट यूज करता हुआ हम लोग को दिखाई दिया है। तो 111 के प्राइस को आज भी इसने एक सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक हम लोग को मार्केट में देखने के लिए मिला है। और जो हमारा टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा था 117 का, जो हमारा एक और सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जो इस बार एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यूज कर रहा था, उसको इसने कल के दिन ब्रेकआउट कर दिया, वो भी एक काफी हाई वॉल्यूम के साथ। तो अब बात करते हैं फ्यूचर टारगेट के बारे में। तो देखिए, जो पहला टारगेट रहने वाला है मार्केट में अपसाइड की तरफ वो देखने के लिए मिल जाएगा आपको 117 का। अगर इस प्राइस को ये शेयर ब्रेकडाउन कर देता है तो जो दूसरा टारगेट रहेगा 129 तक आप लोग को इस शेयर में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी भी देखा जाए तो मार्केट का जो रुख कह रहा है वो अभी नेगेटिव फ्लो में देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग डाउन ट्रेंड का भी टारगेट के बारे में बात कर ले, तो जो पहला टारगेट रहने वाला है 111, जहां पर भी इसका एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, अगर इस प्राइस को ब्रेकआउट कर देता है तो जो दूसरा टारगेट रहेगा 108 रुपए तक का आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा जून के 3 या 4 तारीख तक, अगर इस शेयर में आप लोग को डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलता है तो। लेकिन कंपनी के अगर हम लोग फंडामेंटल्स पर ध्यान देते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ और ही बोलते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा 1,07,557 करोड़ का कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। जो डेप्ट है यानी कि कंपनी का जो कर्जा है वो देखने के लिए मिल जाएगा 1,32,020 करोड़ का कंपनी पर कर्जा देखने के लिए मिलता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है आपको, 20% तक की रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने के लिए मिल रही है। किसी भी एक अच्छी कंपनी में अगर आप लोग बात करते हैं, किसी भी एक अच्छी कंपनी की जो रिटर्न ऑफ इक्विटी होती है वो 15% से लेकर 20% तक मानी जाती है। अगर किसी भी कंपनी की रिटर्न ऑफ इक्विटी इस फेज में देखने के लिए मिलती है तो उस कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से काफी अच्छी कंपनी माना जाता है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ इक्विटी आप लोग को देखने के लिए जो मिल रही है वो देखने के लिए मिल रही है 20.5 की, यानी कि जो रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी की अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग कंपनी के देखने के लिए मिल रही है 51% तक की प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में देखने के लिए मिल रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। और पूरे की पूरी जो 51% तक का स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड कर रहे हैं। आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी जनरेट कर रही है 25,102 करोड़ का कंपनी ने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जनरेट करा इस साल। और डिविडेंड के बारे में बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी ने अपने इंक्रीज कर दिया है इस साल कंपनी का। इस क्वार्टर में जो कंपनी डिविडेंड देखता है तो इसमें 10% तक का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है। और अगर हम लोग बात करते हैं कंपनी के और एसेट्स के बारे में, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं तो देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप लोगों को काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। हालांकि मार्च 2022 में जिस समय कोरोना का पीरियड चल रहा था उस समय कंपनी ने एक लॉस तो काफी लॉस में कंपनी बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करा और उसके पहले भी कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोरोना जो लॉकडाउन का पीरियड था उस समय पेट्रोल का यूज काफी ज्यादा कम हो चुका था, जिसके चलते कंपनी का जो लॉस था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखें तो कंपनी ने 30,000 करोड़ तक का प्रॉफिट जनरेट करा था भाई वाह, अपने सिर्फ जो पेट्रोल था उसको ही सेल करके। अभी देखते जो पेट्रोल और डीजल उसको सेल करके इस साल भी कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करा, 34,000 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करा है। एक्सपेंसेस की बात करते तो एक्सपेंसेस भी कंपनी का काफी ज्यादा आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा इस क्वार्टर में। और जितने भी फिगर्स आप लोग को देखने के लिए मिल रही है ये सारे के सारे आप लोग को इन करोड़ देखने के लिए मिल रही है। और एक और न्यूज कंपनी में जो निकल के आ रही है जो कि सिर्फ आईओसी को नहीं पूरे पेट्रोल सेक्टर को देखने के लिए मिल जाएगा। आईओसी हो गया, एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये सब अब बिल्कुल फ्री हो चुके हैं टू सेट देयर ओन फ्यूल प्राइसेस, सेज इंडियन ऑयल मिनिस्टर। अब क्या अभी तक क्या होता था जो इंडियन ऑयल को जो जितने भी कंपनीज थी, आईओसी हो गया, एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब जो ऑयल का प्राइस सेट करती थी इनको खुद सेट करती थी, यानी कि ये जो गवर्नमेंट थी वो उनको बताते कि आप लोग को फ्यूल इस प्राइस पर बेचना है। लेकिन अब उनको पूरी पूरी छूट दे चुकी है। हालांकि 2014 के बाद भी कंपनी को उसको दे दी गई थी कि आप लोग फ्यूल के प्राइस सेट कर दीजिए, लेकिन उसमें कुछ बाउंडेशन थी जो कि अब आज के टाइम में सारे के सारे बाउंडेशन कंपनी ने रिमूव करा दी है। और उन्होंने बता दे कि आप लोग अपनी जो प्राइस है उसको सेट कर सकते हैं,
और अपने प्राइस पर फ्यूल बेच सकते हैं, जिसके चलते आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली फ्यूल का प्राइस भी कम कर दिया है। और इसके चलते अगर हम लोग देखें तो कंपनी के आप लोग क्या लगता है जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा, जो कंपनी के जो सेल्स होंगे वो बढ़ेंगी या फिर कंपनी के सेल्स डाउन जाएगी, आप लोग उस पर क्या कहना है ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक अगर हम लोग बात करें तो एक फ्यूचर स्कोप कंपनी है, ये कंपनी हमेशा फ्यूचर को सोच के चलती है। अभी आप लोग पता होगा तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हाइड्रोजन फ्यूल पर भी काम कर रही है। अब हाइड्रोजन फ्यूल पर काम क्यों कर रही है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो एज अ फ्यूचर भी वर्क कर रहा है। देखिए एवीज अगर हम लोग बात करते हैं तो एवीज अभी आप लोगों को एक सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखने के लिए मिलती है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल का, हाइड्रोजन फ्यूल का आप लोग को देखने के लिए मिलता है तो आप लोग एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हाइड्रोजन फ्यूल काम हाइड्रोजन फ्यूल देखने के लिए मिल जाएगा। एवीज अभी आप लोग को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखने के लिए मिलेगा, अभी आप लोग को